श्रमण संस्कृति के अमर देवता, पुरुषार्थ के प्रतिपादक, चंद्रमा के समान शीतल, सूर्य के समान दिव्यमान, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। वंदन हो आदरणीय परम श्रद्धिया संसार सागर से पार उतारने वाली मेरे जीवन की शिल्पकार पूज्या गुणी मैया के चरणों में वंदन। वंदन हो मेरी असीम आस्था के केंद्र पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज के चरणों में वंदन। वंदन हो जिनके जीवन में ज्ञान में गंगा, योगमय यमुना, ब्रह्ममय ब्रह्मपुत्रा सतत प्रवाहित हो ऐसे आचार्य प्रवर शिव मुनि जी महाराज के चरणों में वंदन। वंदन हो बेंगलोर की पवित्र पावन माटी को, धर्म सभा में आए हुए धर्म स्नेही बंधु माताएं बहनों, परमात्मा की महफिल में आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। गुणानुवाद का सुनहरा सप्ताह इस महावीर धर्मशाला के अंदर चल रहा है। कैसे गुरु के गुण गाएं, कैसे गुरु के वर्णन करें और गुरु के उपदेशों को अपने जीवन में कैसे स्वीकार करें। याद रखना, चूहा अगर पत्थर का होता है तो उसे आप पूज देते हैं और जिंदा चूहा होता है तो उसे मार देते हैं। दुनिया की रीत है, आपकी बात नहीं कर रही। नाग देवता अगर पत्थर के हैं तो उस नाग देवता के चरणों में नारियल फोड़ा जाता है, उन्हें नमन किया जाता है और जिंदे नाग देवता आ जाए तो क्या होता है, ढूंढते हैं कब कौन आए, कब पकड़ के ले जाए। और कभी कभी आवेश आ जाता है तो ये भी कह देते हैं कि खत्म कर दो। पत्थर के नाक को हम पूछते हैं और जिंदे नाक से हम जिंदा छोड़ने की आप जनरल थिंक है, कोई व्यक्ति कोशिश नहीं कर सकता। हो सकता है आपके मन में ऐसी भावना न हो। जब माता पिता दुनिया से चले जाते हैं, उनकी तस्वीर के ऊपर सुंदर सी हजारों रुपए की माला लगाते हो और उनके जाने के बाद उनके नाम से प्याव बनाते हो, लेकिन जिंदे माता पिता होते हैं तो उनसे मिलने का, उनके पास बैठने का, उनकी हालत को देखने का या कुछ वक्त उनके साथ बैठकर भोजन करने का वक्त नहीं होता है। जब व्यक्ति दुनिया से जाता है तो मानव सोचता है ये व्यक्ति जा रहा है इसको कंधा लगा दो, क्योंकि मुर्दे को कंधे लगाने में पुण्य मानते हो। लेकिन कोई व्यक्ति जिंदा होता है, कोई जिंदा रहकर अगर सहायता मांगता है तो हम देने से इनकार कर देते हैं। बस गुरु केवल यही कहते हैं, किसी का जिंदे जी भला कर दो। जब तक हम जिंदे हैं तब तक किसी का भला कर दें तो जाने के बाद लोग याद करेंगे, नहीं तो जाने के बाद व्यक्ति याद करेगा। जिसने अच्छा काम किया उन्हें याद करेगा, और बुरा काम करने वाला व्यक्ति अगर दुनिया से जाता है तो लोग कहते हैं कि शहर का कचरा चला गया। आइए गुरु के वचन, गुरु के बोल हमें यही संदेश देते हैं कि जिंदे व्यक्ति की हम सेवा कर लें, हम दुखी की सेवा कर लें, कोई असहाय है उससे मिल लें, कोई भूखा है उसे हम भोजन करा दें, कोई प्यासा है उसे हम पानी पिला दें और कोई अशिक्षित है उसे हम शिक्षा का ज्ञान दे दें। बहुत सुंदर प्रयोजन किया था गुरु केवल ने अपने जीवन के अंदर कि शिक्षा जीवन के अंदर क्या संदेश देती है और शिक्षा नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है। आचार्य आनंद ने भी अपने जीवन के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक परीक्षा बोर्ड का सुनहरी एक संस्था खोली, जिससे कई लोग धार्मिक परीक्षा बोर्ड में ज्ञान अर्जन करते हैं। कई साधु संत, विशारद, प्रभाकर और आचार्य की परीक्षा देते हैं। उससे हम साध्वी मंडल ने भी प्रभावकर की परीक्षा उस परीक्षा बोर्ड से दी हुई है। आइए गुरु केवल और गुरु आनंद के जीवन में ज्ञान का दीप कैसे प्रज्वलित था और उन्होंने अपने जीवन के अंदर ज्ञान के दीप को कैसे जलाया। एक बार एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक श्रीमान जी बैठे थे जिनका नाम था माखनलाल जी। काफ़ी उम्र के थे, हमारे संघ के अध्यक्ष साहब की तरह बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार और बहुत सुयोग्य व्यक्ति थे। वो आराम से शांति से ट्रेन के इंतज़ार कर रहे थे और रामायण पढ़ रहे थे। जब रामायण पढ़ रहे थे उधर से एक पति पत्नी निकले
वो भी ट्रेन के इंतज़ार के लिए। दोनों पति पत्नी नौजवान थे, वो सामने बैठे हुए थे। दोनों ने देखा कि दादाजी इस उम्र के अंदर रामायण पढ़ रहे हैं, तो उस युवक ने अपनी पत्नी को वहीं पर बिठाया और युवक ने दादाजी से पूछा, दादाजी गया जमाना रामायण पढ़ने का, अब क्या रामायण पढ़ते हो, नोवेल पढ़ो नोवेल, जमाना नहीं है रामायण पढ़ने का। दादाजी ने कहा, बेटा काश मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, इसीलिए मेरे देश के अंदर जो व्यक्ति रामायण पढ़ता है तो ये देश ऐसा है जिस देश के अंदर राम की मर्यादा आज भी मौजूद है, जिस देश के अंदर श्रवण कुमार जैसे बेटे भी हैं और जिस देश के अंदर सीता सावित्री जैसी बहुएं भी हैं, जिस देश के अंदर महावीर जैसे पुत्र हुए हैं और जिस देश के अंदर कृष्ण जैसे कर्मयोगी हुए हैं, बुद्ध जैसे ज्ञानी जिस देश के अंदर हुए हैं। बेटा मुझे रामायण पढ़ने में आनंद आता है, जब भी मेरे पास थोड़ा बहुत वक्त मिलता है, वैसे मैं व्यस्त रहता हूँ सामाजिक कामों में बेटा, लेकिन तूने मुझसे पूछा है कि दादाजी रामायण क्यों पढ़ते हो, इसलिए बेटा मैं बता रहा हूँ कि मैं रामायण इसलिए पढ़ता हूँ कि रामायण में जब वनवास में राम गए तो सीता को आगे रखा और राम पीछे रहे, इसीलिए मुझे रामायण अच्छी लगी। ओ बेटा के ये तो माथा चाट रहा है, चलो यहाँ से। थोड़ी देर हुई और रेलवे प्लेटफॉर्म पर क्या आ गई, ट्रेन आई और दोनों पति पत्नी ट्रेन में चढ़ने लगे। युवक ट्रेन में चढ़ गया और ट्रेन का समय लेट हो गया था, देर से पहुंची तो ट्रेन जल्दी निकल गई और युवक तो चढ़ गया और धर्म पत्नी नीचे रह गई। अब जैसे ही वो ट्रेन के अंदर पहुंचा, डिब्बे में देखे, धर्म पत्नी ने जोर जोर से चिल्लाने लगा, साखल खींची। दादाजी उसे मिले, बेटा क्या हो गया, क्यों साखल खींच रहा है। बोले, दादाजी मेरी पत्नी नीचे रह गई है और मैं जल्दी से चढ़ गया। तब दादाजी ने कहा, इस बात को जरूर आप अपने साथ लेकर जाना, गुरुदेव की जन्म जयंती के अवसर पर इन बुजुर्ग लोगों से हमें कितना सीखने के लिए मिलता है। तब दादाजी ने कहा था, बेटा इसलिए मैं रामायण पढ़ता हूँ कि रामायण में जब राम का रथ हाँका गया तो राम ने रथ के अंदर सबसे पहले बैठने के लिए सीता को बोला, उसके बाद राम बैठे। तो बेटा तू ट्रेन में चढ़ा तो पहले तेरी पत्नी को चढ़ाता और बाद में तू चढ़ता तो तेरी पत्नी बीच में नहीं छूटती। तो आइए ये एक घटना है, हम चिंतन करें, हम विचार करें, इन दादा लोगों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ ज्ञान अर्जन हो सकता है। तो आइए गुरु केवल ने और गुरु आनंद ने कैसे जीवन के अंदर ज्ञान का दीपक जलाया, काश वह ज्ञान का दीपक नहीं चलाते तो अपने जीवन के अंदर न लेखक बन पाते, न वक्ता बन पाते, न प्रवचनकार बन पाते, न गायक बन पाते। तो आइए इन गुरु भगवंतों के जीवन से, हम जन्म जयंतियाँ मनाते हैं लेकिन जन्म जयंती के साथ साथ जरूर इतना चिंतन करें कि उनके जीवन के अंदर से हम विवेक सीख लें, आचार सीख लें, हम जीवन में अंदर हम असत्य से हट जाएं, चोरी से हट जाएं, अन्याय से हट जाएं, अत्याचार से हट जाएं और अपरिग्रह हमारे जीवन के अंदर आ जाए और परिग्रह हमारे जीवन से हट जाए। एक बार एक शहर के अंदर एक नियम था कि हर व्यक्ति को एक साल के लिए राजा बनाया जाता था। उस शहर का नियम था कि हर व्यक्ति को एक साल राजा बनाया जाता और एक साल तक वो राजा बनता, उसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाता, उसे सिटी में आने का अधिकार ही नहीं होता। लेकिन कहते हैं कि ये कुर्सी का लोभ ऐसा है कि व्यक्ति इस लोभ के अंदर डूब जाता है। कई उस शहर के अंदर हर साल नए नए राजा बनते गए, एक साल हो गया और उस राजा को बाहर जंगल में भेज दिया जाता। कोई राजा जंगल में फल फूल खाकर जीवन बिताता, कोई जंगल में कंठीली झाड़ियों में रहता और कोई अपने प्राणों को छोड़ देता, क्योंकि एक साल के जो कुर्सी पर रह चुका वह वापिस शहर के अंदर आने का उसे अधिकार नहीं था। एक बार योग संयोग बना, एक व्यक्ति था जो बुजुर्ग था, उसे राजा की गद्दी पर बिठाया गया। जैसे जब एक वर्ष के लिए कोई राजा बनता है तो राजा एक वर्ष के लिए जो करता है वो जनता को मानना पड़ता है, चाहे वो अच्छा करे चाहे बुरा करे, कहते हैं राजा का राजा कौन। तब उसे राजा बनाया गया, उसने अपनी बुद्धि से काम लिया, अपने दिमाग से काम लिया,
अपनी सोच बड़ी थी, उसके जीवन के अंदर ज्ञान का भंडार था, उसके जीवन के अंदर ज्ञान की ज्योति जली हुई थी, उसने जीवन के अंदर एजुकेशन किया था, जीवन के अंदर संतों की संगत की थी, जीवन के अंदर संतों के चरणों में जाकर बैठने का सुनहरा समय निकाला था। इसीलिए हम भी आपको कहते हैं 23 घंटे हराम के लेकिन एक घंटा, बोलो 23 घंटे हराम के लेकिन एक घंटा परमात्मा का, एक घंटा राम का, एक घंटा महावीर का, एक घंटा प्रभु का, एक घंटा ये महावीर की धर्मशाला का और एक घंटा गुरु आनंद और गुरु केवल का। जब विचार किया मुझे जीवन के अंदर संतों की संगत लेनी है, काश मैं संतों की संगत लूँगा तो मेरे जीवन की रंगत बदल जाएगी। आपने देखा होगा अर्जुन माली ने महावीर की संगत ली और अर्जुन माली का जीवन बदल गया। उंगली मार ने बुद्ध की संगत ली और उंगली मार का जीवन बदल गया। और प्रभव चोर ने जम्बू स्वामी की संगत ली और प्रभव चोर का जीवन बदल गया। तो आइए हम अपने जीवन को कैसे बदले। राजा प्रतिदिन शहर के अंदर संत आते थे, उन संतों के चरणों में जाता। अब एक साल के लिए उसे राजा बना दिया गया और राजा बनाने के पश्चात जब एक साल के लिए वो राजा बना, राजा बनने के पश्चात उसने विचार किया मुझे राजगद्दी पर तो बिठा दिया है, अब मेरा कार्य है कि मैं लोगों का भला करूं, परोपकार करूं और इस मेरे राज्य के अंदर जो लोग हैं, जो भूखे हैं, जो अनाथ हैं, जो अशिक्षित हैं, उन्हें शिक्षा का ज्ञान दिलाऊं। विचार करते करते उसने घने जंगल के अंदर अपने अनुचरों को आदेश दिया, अपने सिपाहियों को आदेश दिया और घने जंगल के अंदर एक सुंदर सा बंगला बनवा लिया, सारी रहने की सुंदर सी व्यवस्था बना ली। समय गुजरता गया, एक साल पूरा हो गया, ये चतुर्मास के पल भी क्या हो जाएंगे, कितने दिन हो गए आज, आज चतुर्मास का 14वां पुष्प खिल गया है। देखिए ये 14 दिन कैसे चले गए पता चला, 14 घंटे की तरह, क्योंकि यहाँ के संघ वालों का स्नेह है, प्यार है, भक्ति है, आत्मीयता है। जो संघ साताकारी होता है, जो क्षेत्र साताकारी होता है, वहाँ पर संतों का समय आसानी से गुजर जाता है। जो क्षेत्र साताकारी नहीं होते हैं, जहाँ के श्रावक श्राविका साताकारी नहीं होते हैं, वहाँ पर संतों का चतुर्मास काल भी क्या होता है कांतिलाल सा, अरे लंबा हो जाता है। हमारे हनुमान नगर वाले देख लो, हमारे चामराजपेट वाले देख लो, बसंतगुड़ी वाले देख लो, विवीपुरम वाले देख लो, संपूर्ण बेंगलोर वालों को देखो कि जिनकी कितनी आस्था है, कितना स्नेह है और कितना प्यार है, कितनी दूर दूर से परमात्मा की भक्ति का नज़ारा लेकर आप पहुँच रहे। राजा का एक साल पूरा हुआ, जैसे ही एक साल पूरा हुआ नियम के अनुसार राजा को वहाँ से जंगल में भेज दिया गया। लेकिन जंगल में जाता है और राजा वहाँ पर सुख से रहता है। जो बाकी के राजा उससे मिले, अरे भाई तूने ऐसा क्या किया, हम भी एक साल राज्य किए, हम भी एक साल सत्ता को संभाला, एक साल हम भी रहे, तुम्हारी तरह ही हम राजगद्दी पर बैठे रहे, लेकिन हमें ये सुख नहीं मिला, हमें ये शांति नहीं मिली, हमें ये सुनहरी जगह नहीं मिली, हमें तो जंगल की खाक छाननी पड़ी, कुछ जिंदे हैं और कुछ तो हमारी तरह राजा चले गए। तब वह राजा कहता है, भाई मैं राज्यसभा में रहते रहते भी मैंने एक ऐसा काम किया कि जंगल में एक बंगला बनाओ तो वानप्रस्थ आश्रम में रहकर भी अपने जीवन को बिताओ, तो मैं भी आपसे कहना चाहूँगी, गुरु केवल ने बस यही कहा, तुम संसार में रहो लेकिन उस राजा की तरह। वह संसार में रहने के बाद भी उसने अपने अंतिम समय का ख्याल रखा। तो आप भी संसार में रहते रहते अपने ज्ञान का दीपक, अपने विवेक का दीपक, अपने पुद्गल शरीर की ममता कम करो, इस पुद्गल शरीर को धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करो। इस शरीर की ममता को छोड़ोगे, लग जाओ चतुर्मास के पल में तपस्या के क्षेत्र में, लग जाओ चतुर्मास के पल में सामायिक के क्षेत्र में, लग जाओ इस चतुर्मास के सुनहरे पल में, दया कर लो, पोषित कर लो, सामायिक कर लो, प्रतिक्रमण कर लो, जितना अनमोल समय है इस पुद्गल शरीर की ममता को कम कर अपना अनमोल समय गुरु के चरणों में समर्पित कर दो, अपना अनमोल समय उस केवल और उस आनंद के चरणों में समर्पित कर दो, ताकि जन्म जयंती मनाना,
आपकी और हमारी क्या हो जाएगी, अरे सार्थक हो जाएगी। गुरुदेव ने बहुत सुंदर, महावीर ने शब्द दिया है कि जीवन में चोरी करूंगा नहीं, चोरी करवाऊंगा नहीं, और चोरी करने वालों को बोलो। परमात्मा महावीर ने हमारे लिए तीसरा महाव्रत दिया है, न चोरी करना है, न चोरी करवाना है, न चोरी करने वालों को अनुमोदना देना। काश हम जंगल में विहार करते हैं, कोई स्कूल में भी हमें रुकना है तो किसी ग्रस्त की बिना आज्ञा संत स्कूल में भी नहीं रुक सकता है। कोई एक तिनका भी उठाना है तो संत को किसी की न किसी की श्रावक की आज्ञा लेनी पड़ती है, बिना आज्ञा संत एक कदम भी बाहर नहीं रख सकता है। बाहर निकलता है तो उसे शक्रेंद्र महाराज की आज्ञा लेनी पड़ती है, और कोई मकान में जाता है, कोई ग्रस्त से सामान लेता है तो भी ग्रस्त की आज्ञा के बिना संतों को एक तिनका उठाना भी निषेध है। लेकिन महावीर ने आपको लिए हर जगह छूट छोड़ दी, थोड़ी 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 हर जगह आपको छूट डोल दी। लेकिन थोड़ी छूट दी तब तक तो साधु संत खुश थे, लेकिन थोड़ी छूट में आप बड़ी बड़ी छूट लेने लग गए। महावीर ने दी थी छूट कि थोड़ा झूठ बोलो, काम पड़े तो झूठ बोलो, लेकिन महाराज काम पड़ता है तो काम से ज़्यादा हम झूठ बोल देते हैं, काम से ज़्यादा हम व्यापार में कूड़ा तोल, कूड़ा माप, वस्तु में भेल समेल, सेना हारे, तकड़ पौगे, विरुद्ध रज्जाई कमे, न जाने कैसे कैसे काम कर देते हैं कि जिससे हमारे कर्मों के बंधन हो जाते हैं। महावीर कहते हैं कि इन कर्मों के बंधन से कैसे हटे, इन कर्मों के बंधन से कैसे दूर हो। एक हत्यारा, एक चोर नौजवान, एक बाहर रात्रि के समय बाहर शहर के अंदर घूम रहा था, घूमते घूमते एक महिला के घर में पहुंच गया। महिला के घर पहुंचा, वह महिला बच्चे को थाली में रोटी परोस रही थी। चोर को गुस्सा आया, चोर ने कहा मुझे रोटी दो, नहीं तो मैं तलवार से, ये नंगी तलवार मेरे हाथ में है, तेरे गर्दन के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उस महिला ने कहा ठहर जाओ भैया, ये रोटी बच्चे को खाने दो, मैं तुम्हें दूसरी रोटी दे देती हूँ। चोर को आया गुस्सा, बच्चे की गर्दन पे तलवार चला दी और महिला की गर्दन पे भी तलवार चला दी।